Hello students, good morning. Today we will read geography chapter 2, and our chapter name is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. Okay, last time हमने land के बारे में देखा था, उस video lecture में हमने चर्चा की थी. आज हम देखते हैं soil. Soil क्या है? The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil, है ना? पृथ्वी की धरती की ऊपर की जो दानेदार पदार्थ हैं, है ना, उसको क्या कहा जाता है? सोइल कहा जाता है. जो अपना अर्थ है, अर्थ का सबसे ऊपर का पोर्शन क्या होता है? तो भाई मिट्टी ही रहती है ना, तो उसको मिट्टी कहा जाता है. ठीक है, अब ये जो सोइल रहता है, सोइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ, है ना. ये सोइल बनती कैसी है? तो एक तो जैव पदार्थों से, है ना, ऑर्गेनिक मैटर से, खनिजों से, ओके, और एक अपक्षय जो चट्टाने रहती हैं उनसे मिलकर के इस सोइल का क्या होता है? निर्माण होता है. और द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक ऑफ सोइल फर्टाइल, है ना. इसको सोइल को फर्टाइल कौन बनाता है? तो राइट मिक्स होना चाहिए किसका? मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का. ओके, अब ये लैंडस्लाइड्स के बारे में अपन देख लेते हैं. लैंडस्लाइड्स क्या है, मैं आपको ऊपरी तौर पर बता देता हूँ मोटा मोटा रूप से, कि ये अधिकतर कहाँ पर होता है? हिमालय पर्वत, हमारे इंडिया के अंदर जो हिमालय माउंटेन्स है ना, जो पहाड़ी है हिमालय की, वो भी नया बना हुआ पर्वत कहते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादातर होता है. ये किस तरीके से होता है कि इसको लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक. देखो, ये कभी आप गूगल पे भी सर्च करके देख लेना, आपको लैंडस्लाइड्स के बारे में पूरा किस तरीके से होता है वो, लैंडस्लाइड्स इतना डाल करके यूट्यूब पे डाल करके देखना, आपको पूरा आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये जो हिमालय अधिकतर ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर इस तरीके से गतिविधियाँ ज़्यादा होती है. लैंडस्लाइड्स का मतलब एक चट्टान का बहुत बड़ा भाग, ये अधिकतर बारिश है, ज्वालामुखी जब आते हैं, बाढ़ आती है, उस समय में होता है. और ये अगर जैसे कहीं पर झरना बह रहा हो या नदी बह रही हो, ठीक है, वहाँ जा करके एक बड़ा सा पहाड़ का पहाड़ टूट करके उसके आगे आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है नदी में, फिर बहुत सारा पानी रहता है. अब वो है तो कोई बांध तो बना नहीं रखा है, ठीक है, धीरे से टूटेगा, एक साथ धीरे से क्या मतलब झटके से एक साथ टूट ही जाएगा, वो मिट्टी का पूरा प्रवाह रहता है तो वो टूट जाता है. तो उसके साथ लगातार खूब मात्रा में पानी जो निचले इलाके रहते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है? आ जाता है. तो इससे लोगों को भी बहुत क्षति पहुँचती है ना. ये एक तरह से बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है, और उसको निर्माण में क्या है, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो बहुत ही कारगर उपाय नहीं है. सबसे पहला सबसे बड़ा उपाय है, तो जहाँ पर लैंडस्लाइड्स हैं, है ना, अपन को लग रहा है कि यहाँ होने वाले हैं, तो उस इलाकों में ह्यूमंस का जो रहना है, मानवीय जो बसावट है, उसको कम कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इसके अलावा जो कई बार ये रेटेंशन वॉल बनाते हैं ना, एक प्रतिरोधी दीवार बनाते हैं इसके आसपास में, जैसे रोड है, पता पड़ गया कि यहाँ पर अगर होने वाला है या नहीं भी हो, फ्यूचर में कभी हो सकता है, तो एक ये जो वॉल बनाने का काम करते हैं, रिटेंशन वॉल, वो है. उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि प्लांटेशन करें, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो ये क्या कि जो पौधों और पेड़ों की खासियत रहती है, ज़मीन की जो मिट्टी रहती है उसको पकड़ करके रखते हैं. खैर, जब बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है, तब हिमालय में ये कितना भी प्लांटेशन कर रखा होता तो भी कारगर नहीं होता, फिर भी एक सामान्य परिस्थिति से निपटने के लिए वो एक बेहतर उपाय है लैंडस्लाइड्स का, है ना. ओके, अब फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, है ना, मृदा के बनने के, इस भूमि के, सॉरी, मृदा मिट्टी के निर्माण के कुछ कारक हैं, कुछ फैक्टर्स हैं. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो एक तो पेरेंट रॉक जो होता है, देखो ये इसमें दिख रहा है सबसे नीचे धरती के क्या पेरेंट रॉक है ना, मूल चट्टान है, ओके, जनक चट्टाने जिनको कहा जाता है. उसके बाद में वेदर्ड रॉक मेटेरियल्स है ना, अपक्षय चट्टानी पदार्थ होते हैं. दूसरा होता है सब सॉइल विथ स्टेन साल्ट एंड क्ले, है ना, बालू गाद क्ले के साथ की जो सब सॉइल होती है, उपमृदा जिसको कहा जाता है, और सबसे ऊपर होता है टॉप सॉइल, है ना, सबसे ऊपर की जो मृदा होती है विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो किसके साथ में होती है? वनस्पति और घास के साथ में होती है. ह्यूमस और वनस्पति वेजिटेशन के साथ में रहती है. ये मृदा का एक सॉइल प्रोफाइल है. ओके, तो ये पेरेंट रॉक और क्लाइमेट
फैक्टर्स ये इसके सॉइल फॉर्मेशन के कुछ हैं। उसके अलावा अदर फैक्टर्स आर के ट्रोफोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये इसके कुछ और कारक बताए गए हैं। ठीक है, अब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ओके, मृदा का जो डिग्रेडेशन होता है ना, उसके कैसे किस तरीके से उसके क्या क्या रीज़न है, तो सॉइल इरिजेशन एंड डिप्लिटेशन आर मेजर थ्रेट्स ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स, है ना, एक संसाधन के रूप में। ये दो मृदा अपरदन और क्षीणता, है ना, मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। ये दोनों किससे होते हैं, ह्यूमन से भी होते हैं और नेचर से भी होते हैं, बराबर। तो उनके ये और ह्यूमन और नेचर से कैसे कैसे होते हैं, तो एक तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गई, अतिचारण हो गया, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का खूब ज़्यादा यूज़ हो गया, रेन वॉश हो गया, वर्षा का दोहन हो गया, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स, बाढ़, ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिससे क्या होता है कि मृदा का निम्नीकरण या डिग्रेडेशन होता है। अब उसको रोकने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, एक तो मल्चिंग हो सकती है, दूसरा क्या है काउंटर बैरियर्स हो सकता है, रॉक डैम हो सकता है, ट्रेस फार्मिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, काउंटर प्लचिंग है, उसके बाद में शेल्टर बेल्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मल्चिंग में क्या होता है कि जैसे कुछ क्रॉप्स लगाई हुई है उसके बीच में कुछ, देखो द मल्चिंग में द ब्रेक ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स जो रहते हैं उसमें कवर करने के लिए जो ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, एक शैवाल जैसे है ना, लाइक स्ट्रो जिसको कहते हैं शैवाल जैसे, उसको अगर ढक करके रखेंगे तो मदी जो सॉइल का मॉइस्चरिंग होगी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसमें काउंटर बैरियर्स है, रॉक डैम्स है, रॉक डैम में क्या करते हैं कि पानी तो जाता है और उसकी जो गति है बहने की वो स्पीड कम हो जाती है, बड़े बड़े पत्थर वगैरह लगा करके, और जो मिट्टी का जो संरक्षण होता है वो काफ़ी हद तक उसमें हो जाता है। उसके बाद में ये ट्रेस फार्मिंग है, उसमें बड़े बड़े ये जो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर एक तरह से ये जो ये पास में दिख रही है टेरेस फार्मिंग विधि का फार्म जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे पानी एकदम पहाड़ से पूरा सतह, इसमें कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें किसके सोइल के कंजर्वेशन के लिए आवश्यक हैं। ओके, थैंक यू सो मच।